नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमरजीत सिंह दशमेश ग्रुप मलेरकोटला के तरफ से आपको जो PS3 के बाद अभी कंबाइन में BS4 इंजन आया है उसके बारे में मैं आपको जो बेसिक जानकारी है अपने माध्यम से आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, ताँ जो फील्ड में और फील्ड के बाद चलाने में आपको कोई समस्या ना आए। तो आइए आपको थोड़ा इंजन के बारे में बताते हैं। ये जो इंजन है, ये इंजन BS4 है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और पहले इससे BS3 इंजन आता था, अभी कंबाइन में यही आपको इंजन मिलेगा। इसमें एक क्लस्टर मीटर लगा हुआ है जो आपको ड्राइवर सीट के पास में रहेगा, उसमें एक स्क्रॉल का बटन है जिससे आप किसकी सारी जानकारी आपको ड्राइवर के पास ही दे देगा। उस क्लस्टर मीटर में आपको इंजन ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर, बैटरी का वोल्टेज आपको बताएगा, और जो इसमें यूरिया का जिसको हम AdWU जिसको यूरिया बोलते हैं उसमें आपको यूरिया की भी सारी ये परसेंटेज उसमें ही बताएगा। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी इंजन को ऑपरेट करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले नॉर्मल मीटर लगे हुए थे, ये क्लस्टर मीटर एक डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, इसके ड्राइवर को काफ़ी आसान रहेगा। बाकी थोड़ी बहुत आपको इसके इंजन के बारे में हम जानकारी अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। इस ये जो इंजन है, इंजन में जो यूरिया टैंक लगा हुआ है, पहले तो आपने इसका कभी डीजल और जो AdWU है उसको कभी ख़त्म नहीं होने देना। AdWU जिसको हम यूरिया बोलते हैं, यूरिया का टैंक जो है 24 लीटर का लगा हुआ है। आपने इसको जब यूरिया इसमें डालना है, यूरिया को भी पूरा 24 लीटर ऊपर तक नहीं भरना। जो यूरिया है इसमें, यूरिया आपने जो डालना है गल्फ कंपनी का एट द रेट AL का जो ओरिजिनल जो आता है, वही कंपनी लेलैंड रेकमेंड करती है इसमें डालने के लिए, उसी को आप यूज़ करें। और जो यूरिया है उसको आपने 20% से कम नहीं होने देना। जो क्लस्टर मीटर लगा हुआ है उसमें इसकी परसेंटेज बताई जाती है यूरिया की, वो आप स्क्रॉल बटन दबाओगे तो सारे फीचर वहाँ पर आ जाएंगे, उसमें परसेंटेज इसकी बताएगा। 20% से आपने कभी भी यूरिया कम नहीं होने देना। उससे क्या होता है कि आपका जो इंजन है वो इंजन आपने RPM ड्रॉप करने लग जाएगा। आपको इस इंजन में जितना ज़रूरी इसमें डीजल और ये यूरिया AdWU जितना ज़रूरी दोनों चीज़ें ये हैं, उतनी ही ज़रूरी इसमें इंजन को एयर है। एयर आपने इसका जो 8 से 10 बार का प्रेशर रखना है, जैसे मीटर गेज होती है उस पर 100 पर रखना है। इसकी हवा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यूरिया की स्प्रे है वो हवा के माध्यम से ही होती है। और इसको आपने जो कंजम्पशन के बारे में आप मैं बात करूंगा, कंजम्पशन जो है इसकी जैसे 100 लीटर के पीछे 4 से 6 लीटर जो यूरिया की कंजम्पशन रहती है इंजन की। इसमें एक ईट सिस्टम लगा हुआ है। ईट सिस्टम क्या होता है, जो इंजन चलने के द्वारा नुकसान करने वाली उसमें से गैस पैदा होती है जिसको हम नॉक्स बोलते हैं, वो यूरिया क्या करता है, यूरिया उसमें स्प्रे करता है। यूरिया उसमें स्प्रे कर जो ईट सिस्टम वो सारी नुकसान वाली गैसों को एक क्लीन एयर बनाकर बाहर निकालता है, जिससे कोई वातावरण में पोल्यूशन में कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो थी, इसमें आपको नए इंजन के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी है, जो यूरिया कैसे आपने मशीन ऑपरेट करनी है, कैसे इसको यूरिया की वर्तो करनी है आपने, ये सारा आपको थोड़ा हमने बेसिक बता दिया। बाकी इंजन कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बाकी सेम है। पहले इसमें इनलाइन पंप होता था, अब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक पंप आ गया। डीजल की भी जो खपत है पहले से, ये इंजन की HP भी बड़ी होगी और डीजल की खपत भी सेम ही है, जबकि HP बड़ी हो गई थी और डीजल ज़्यादा लेना चाहिए था। अभी क्या है, ये पंप के जो पंप के माध्यम से सारा इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूजल सिस्टम इंजेक्टर सिस्टम लगा है, ये उसको इंजन को ऑयल देता है। उसके लगने के कारण ही इसकी जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो भी पहले जितनी सेम ही है। बाकी बहुत ही पावरफुल इंजन है, कहीं भी ये इंजन दबता नहीं। आप मक्का में चलाइए, आप धान में चलाइए, इसकी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है इस इंजन के बारे में। किसान भाई, ये बस थोड़ी बेसिक नॉलेज है, इसको फॉलो कर आप इंजन को ऑपरेट करें। जब भी अपने मशीन पर आपने कोई आपको मशीन पर वेल्डिंग करने की ज़रूरत है, वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ने पर आपने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी के दोनों प्लग निकाल देने हैं। मशीन का अर्थ काट कर उन प्लगों को निकाल कर वेल्डिंग करनी है, ताँ जो किसी भी तरह का इंजन और क्लस्टर मीटर को कोई नुकसान ना हो। और बाकी इसके सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू पर आएँ,
सर्विस के लिए आपको पहले की तरह 250 से 300 घंटा मशीन को चलाकर इसकी सर्विस करवाएं। इसका जो लेलैंड का टूल फ्री नंबर रहेगा, किसी भी माध्यम को इंजन में प्रॉब्लम हो, किसी भी राज्य में हो, आपको कहीं से भी कॉल करना है तो ये एक लेलैंड का टूल फ्री नंबर मैं आपको बताता हूँ, 1-800-419-1921 जो लेलैंड का इंजन है, टूल फ्री नंबर है लेलैंड का। और हमारा जो दशमेश का है, आपको दशमेश कंबाइन के बारे में कोई जानकारी लेनी है, आपको कहीं मदद की इसकी ज़रूरत पड़ गई, हमारी कंपनी के सर्विस वैन की ज़रूरत है, आप कोई नई मशीन की इंक्वायरी है, तो उसका भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसका वो आप हमारा टूल फ्री नंबर रहेगा 1-800-532-6726। इस नंबर से आप हमारे दशमेश में जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतनी सी जानकारी देता हूँ, मैं सभी भाइयों को नमस्कार कहता हूँ, और जब भी आप आएंगे दशमेश में आपके वेलकम के लिए हम रेडी रहेंगे।